तो सुबह हो चुकी है और आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहले इनको उठा देते हैं अपने स्टीम को। हेलो, पहले इनका पानी चेंज करना पड़ेगा। वो देख ही सकते हैं आप पानी के क्या हालात है। चाबी 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 चाबी। तो यार यहाँ पर मैं चाबी, यहाँ पर चाबी नहीं मिल रही। मुझे लगता है मैंने कल यहाँ पर देखी थी। ये देखो ये गिरी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन लोगों को शांत करना है, मतलब कि इनका ये पानी निकाल लेकर आना है। चुप करो ए। अक्सर भाई मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर हम रात को पानी वाले बर्तन नहीं निकालते तो क्या होता है। तो भाई ये होता है, फिर पानी इतना गंदा होता है, सुबह उठते सारे बर्ड जो है वो ये पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनको प्यास लगी होती है। और चुप करो तुम लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत अच्छी होंगी। तो आज हम लोग ले आए हैं अपने इस पेट हाउस में एक नया मेंबर। तो भी वेलकम टू न्यू व्लॉग। हमारा हमसायों का मुर्गा भी आ गया है भाई, देख लो इधर। ये देखो कितना गंद मचाया हुआ है इन्होंने। ये सिर्फ दो दिन का इनका गंद है, ये देखो। क्योंकि इस बार हमने इनको डाला था तोतों वाला दाना, और वहाँ पर वो जो देखें वो पड़ी हुई है ना, मुझे तोड़ी थी वो छापर, थोड़ा सा गीला हो गया था, वो मैंने निकाल कर फेंक दी थी ताकि क्या हो कि वो सूख जाए। बाकी मुर्गियाँ वगैरह तो उसमें खेली हैं, और धूप भी निकल आई है, आज लेट हो गई। और ये देखें तोतों ने वही वाला दाना जो है खाना शुरू कर दिया। तो ये देखें, पहले रोटी भी गोई हुई थी सुबह उठते सार मुर्गियों के लिए, ये मुर्गियों के लिए है, साथ में नान भी है। तो हम मुर्गियों को डालते हैं पहले जाकर, से पहले उनका पानी वाला बर्तन के लिए पानी ले लेते हैं। आप लोगों से कह रहा हूँ कि यार एंड ना मिस करना, ठीक है। और अभी मैंने तुम लोगों को अपने नए पेट से भी मिलवाना है ना, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। ओए ओ गई, क्योंकि दोनों एक हाथ से पकड़ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ना ना मुश्किल हो रहा है। इसको इधर रख देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले इनकी सफाई कर लेनी चाहिए। बात भला क्या है कि ना, मैं कह रहा हूँ कि पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जितना यहाँ पर गंदा है ना पीछे मुर्गियों के केज में, ठीक है ना, तो वो जो नया हमारा पेट है ना वो भी भाई परेशान हो जाएगा कि भाई इतने गंद में कहाँ आ गया हूँ। सारी तूड़ी की वजह से ना ये हुआ पड़ा, तो मैं यहाँ की सफाई कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। ये देख लो यार, देख लें भाई, थोड़े ही टाइम में मैंने जल्दी जल्दी कर ली है। बाकी इनका मैंने ये कवर हटा दिया, ठीक है, बंद किया हुआ था ना कवर। आपको पता है बारिश का कभी भी पता नहीं चलता कि कब जब बारिश हो पड़े। यहाँ पर है हमारा दूसरा पेट। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने सेटअप के नए मेहमान से। तो चलें, इसके अंदर है, ये हम रात को लेकर आए थे, ये देखें। तो दोस्तों ये वाली मुर्गी हम लेकर आए हैं, कुड़ा कोई हुई है। ये मैंने छोटा बनाया था, ये तो देसी मुर्गी के लिए था, उसके लिए, पर वो तो हुई नहीं। ये देखिए इनके लिए बनाया था, इसका भी आप सबने बताया था कि ये कुड़ा कोई हुई है, लेकिन ये घंटा डेढ़ घंटा बैठती है लेकिन उसके बाद नहीं आती। तो ये लेकर आया हूँ मैं। इसको दाना पानी डालते हैं। पहले मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, रोटी चाहिए दूसरी मुर्गियों के लिए, क्योंकि ये कुड़क पर है, तो इसलिए इसको हम क्या देंगे, सख्त देंगे। तो आप लोग भी देख लें कि जब मुर्गी कुड़क पे हो ना तो उसको क्या करना है, सख्त देंगे। आ, 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 पता नहीं कौन सी नस्ल है भाई, क्या है, लेकिन सेल का मुझे बोला, उसने फेसबुक से डील हुई थी, तो यहाँ जाकर ले आया हूँ मैं। ये देख लें आपके सामने मादी कोड़ा का, इसको दाना वगैरह डाल देते हैं। और ये देखें इधर, इनको अपनी जलसी हो रही है। अपनी पहली वाली दो मुर्गियों को कोड़ा करने के लिए देखो अंडे वगैरह भी रखे हुए थे। अब यहाँ पर इसको बिठाता हूँ, ये छोटा हो गया इसके लिए, यहाँ पर हम कोई बड़ी चीज रखे ना तो इसको बिठाते हैं कोड़क के, इसका कोड़क पक्का कर लेते हैं। चल खा ले, तो बाहर जाते हैं, क्या पता डरना रही हो हमसे, फिर जा खा लेते हैं।
उसको खाए बगैर ही अंदर चली गई है। ये कहीं अंडों वाली जगह पर ना चली जाए। ये देख रहे हैं, वो देखिए, वो जो उसके घर की सेटिंग वगैरह करनी है ना, उसके ऊपर टाइम लग जाएगा थोड़ा। तब तक उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने इन मुर्गियों वगैरह को ना, इनको दाना वगैरह डाल देते हैं। मेरा मतलब है तोतों वगैरह को दाना वगैरह डाल देते हैं। देखो सारे भूख से पहले इनको डाल देते हैं, फिर आके ना उसको पहले दाना लेके आते हैं इनका। ये रहा इनका, वही इतना सा बस। चलो कोई नहीं, काम चल जाएगा, बाजरा पड़ा हुआ इनका। फ्लश ऑफ इनके लिए ना, ये वाला दाना बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे जहन में एक आइडिया आया, हम ले लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी रोटी और वो डाल देते हैं मुर्गी को। देखें क्या कर रही है। ये देखो मुर्गी आ गई है। मुर्गी पहला दिन है तो डर रही है, मैं गिरता फिर रहा हूँ। यहाँ से रोटी ले लेते हैं थोड़ी सी तोतों के लिए, जिसका मतलब कि सही हो। ये इतनी सी काफ़ी रहेगी, डाल ली मैंने। चलते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये देखो, देख रहे हैं जो। वैसे तो बाजार भी पड़ा अंदर, रोटी की जरूरत नहीं, पर रख देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई फिर भी ये सॉफ्ट चीज खाएंगे, ठीक है। उतर पड़ो, उतर पड़ो, ये देख रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, आ जा आ जा, कुछ नहीं कहता। ये देखो ये दरवाजा मैंने खोला हुआ है, ये मैं बैठा हुआ उड़ भी नहीं रहे। चले खाने देते हैं इनको, मुर्गी की तरफ भी जाना है हमने ध्यान। मुर्गियां तो भाई जल जल के मुझे लगता है आवाजें निकाल निकाल के पागल हो रही हैं। इसको दाना दूना डाला, लगता है कि शाम के टाइम ही खाएगी, उससे पहले नहीं खाएगी। आ जा इधर यार, पानी निकाल लेते हैं। आ जाओ, ओए इसमें नहीं खाना। इधर खाओ, इधर खाओ, इतनी सी अभी काफी है, खाओ। इनको भी खाओ, मदर आ आ आ। चलो खाओ यार, तुम लोग अपने अभी कुछ करिए। अंडा वगैरह इन्होंने कुछ नहीं दिया, उसकी खबर ले लूँ यार, टेंशन हो रही है उसकी। वो बैठी हुई है और हम लोग जो हैं अब लोग जाते हैं अपने तोतों की तरफ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखें इनको। मैंने आप लोग के सामने दाना भी डाला था, रोटी भी, रोटी कितनी थोड़ी सी रह गई और दाना तो बिल्कुल भाई ख़त्म हो गया। इसलिए इनकी तो भाई रोटी ना फेवरेट है, फेवरेट। और ये भी अच्छे बच्चे हैं ना सारे, इसीलिए। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।